आज हम शूट करें इस रेलवे स्टेशन पे और आई जस्ट वांटेड टू बेसिकली ट्राई आउट कि हम लोग इस रेलवे स्टेशन को किस तरह सिनेमैटिक बना सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिनेमैटिक सीक्वेंसेस वी कैन शूट हियर। तो आज मैं शूट कर रही हूँ ज़रून अहमद के साथ और इनका एक छोटा भाई है जो आप देख रहे होंगे। तो ज़रून आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि व्हाट डू यू डू एंड हु आर यू और आप क्या करते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ारून है और मैं लाहौर से हूँ और मैं एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर हूँ और बस बस नहीं बहुत है। I would seriously say go check out his work on Instagram and on YouTube, it's totally amazing. So one of the most difficult things about shooting at a railway station like this is ke yahan pe bola hi nahi ja sakta aap kitna matlab like shoot karo aur matlab I suddenly picked the best location shoot karne ke sath mein matlab vlog karne ke liye lenge I'm stuck. Oh, Allah, itna niche jaane. How will I? Maine itna samaan carry kiya hai. Oh my god. Aa camera pakdo. Do it for the vlog. I'm looking for some like vintage vibes ho na yahan pe kahin achhi matlab like koi jagah aisi ho jisme vintage feel aa sake usse achhi se vintage shoot bhi ho sakta hai. This is something I'm looking for. Ye aap jaise dekh rahe hain old cabin, ha ye koi purana koi cabin bana hua hai yahan pe 1916 Lahore Junction D cabin. ठीक है आप इस तरह अगर ऊपर जाओ आई टेक पिक्चर कैमरा को यहाँ पे काफ़ी अच्छी ना विंटेज लोकेशन है नेट लाइक आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे बहुत जैसे कि आप देख रहे होंगे दिस इज़ अ वेरी गुड विंटेज लोकेशन। अगर कुछ शूट करना हो तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फाइन लोकेशन शूट है और वो भी सामने भी जो वुडन पैनल्स हैं तो ये बड़ा अच्छा स्पॉट है। आई लाइक दिस वॉट एवर इट इज। ध्यान से वेरी रस्टी सही है। ड्रिंक्स फाइंड करने कहीं यहाँ पे लग रहे कहीं क्रीप से भी मिल जाए क्योंकि बहुत गर्मी है एंड वी आर लाइक सॉफ्ट इन स्वेट एट लीस्ट आई एम। हाँ जी तीन जूस और एक पानी कर दें और भी कोई चीज़ ले लो ना। तो अब हम फाइनली यहाँ पे बैठे हैं शूट करके थक चुका के सबकी हालत बुरी हुई है। देखे ये देख सकते हैं आप मेरा फेस कैसा है। ठीक ही है सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरी हालत बुरी हुई है। नहीं मुझे अपनी लग रही है मुझे मेरी हालत ज़्यादा बुरी लग रही है। हाँ सही है। तो यहाँ पे ज़ारून ने मुझे ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे शूट करने पे पाबंदी लगा दी जाती है जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो हैं वो डिस्करेज होते हैं। तो ये चीज़ आई बिलीव कि ये नहीं होनी चाहिए। ये जो इश्यूज़ हैं कि मुख्तलिफ डिफरेंट जो लोकेशन होती हैं उधर हाँ। अक्सर यही होता है कि जी यहाँ पे अलाउ नहीं है। जिसके पास अथॉरिटी नहीं भी होती वो भी यही कह रहा होता है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। मतलब बात क्या है ना यहाँ पे ये बिजनेस बन गया है ना कि हर जगह जहाँ भी आप शूट करो दे वांट मनी के यहाँ पे आप शूट नहीं कर सकते ज़्यादा पैसे नहीं देते ये मसला है। आप गवर्नमेंट को तो यही चाहिए कि वो इस चीज़ को
प्रमोट करें ना, और मतलब हाँ मना ना करें, लेकिन यही मसला है कि यहाँ पे करते हैं मना। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की जाती है ना इन इशूज में, तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है, पता है ये इंडिविजुअल का होता है, दे जस्ट वांट मनी, ये सिर्फ वो बिजनेस है ना कि बस अपनी तरफ से ही कह रहे होते हैं, अपनी तरफ से कह रहे होते हैं। हाँ ये एक है, तो इससे ना कुछ क्रिएटर्स इसलिए भी घबराते हैं लोकेशन पे जाने से या फिर ऐसे आउटडोर शूट्स पे। ट्रू, ये तो है, कुछ क्रिएटर्स डरते हैं इन चीज़ों से, ये तो है, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। But the day ended earlier than I expected. Jitna time nahi mil saka shoot karne ke liye. So I went there the next day and shot again. Aaj main phir yahan railway station mein pahunchi bhi hu. Because pichli dafa jab maine yahan pe shoot kiya tha, itna time nahi tha, so I was not able to get a lot of cinematic shots that I needed. So aaj phir yahan pahunchi hu aur aaj maine pakra hai inko Sarfaraz. Hi, how are you? जी सर, फ्राज बताए आप कौन हैं और आप क्या करते हैं? आई एम एन आर्ट डायरेक्टर एंड अ स्टाइलिस्ट, बीन वर्किंग फ्रीलांस फॉर द लास्ट 4 इयर्स आई गेस। हेलो, आई रियली वांटेड टू यू नो ट्राई एक्टिंग एंड एक्सप्रेशन, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू ऑल डे एंड इट वाज नाइस वर्किंग विद यू एंड द लोकेशन वाज अमेजिंग। ऑसम, ठीक है, बट नहीं मैन, कम ऑन, यू हैव दैट लुक, यू हैव दैट एक्टर लुक ना, तो यू शुड रियली लाइक परस्यू एक्टिंग और मॉडलिंग बिकॉज यू हैव दैट। आई एम थिंकिंग ऑफ इट, या यू शुड, यू डेफिनेटली शुड फॉर कैरेक्टर बेसिकली। या हम ने फुल गर्मी में शूट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी सरफराज की हालत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी हालत बहुत ही ख़राब हुई है, अभी तो फिर भी धूप कम हो गई है। तो यहाँ पे मतलब लाइक शूट करना अगेन एज आई सेड बिफोर के इंतहाई मुश्किल होता है, मतलब बिकॉज इट्स ऑब्वियसली वेरी क्राउडेड प्लेस, और यहाँ पे मतलब लोग कॉन्स्टेंटली जो हैं वो घूरे जा रहे हैं, तो लाइक यू हैव टू गेट दिस फियर आउट ऑफ योर हेड के लोग आपको घूर रहे हैं देख रहे हैं, अगर आप ये फियर जो है अपने दिल से नहीं निकालोगे तो लाइक यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ये देखिए हमने एक नई लोकेशन ढूंढी है जिसपे वी कैन शूट, यहाँ पे सारी जो लाइक रस्टी पुरानी ट्रेन कैरेजेज हैं वो सारी खड़ी हुई हैं, बहुत मुश्किल से हमारा यहाँ आना हुआ है, फंस फंस आके आए हैं, तो yeah.
So I think this is it for today. I'll see you in the next video. And don't forget to hit the subscribe button down below. And hit the bell icon also if you want to keep yourself updated about my future videos, you know. So alright, see you in the next video.